अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है, ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट, हम सब। अभी जब दावेदारों की जो सूची तय हुई है सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके भी साथ होंगे और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री या कांग्रेस के अलावा के साथ, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कहीं के भी हैं, वो सब मेरे गुट के हैं। कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, हम इंसान है, किसी को ज्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन विचारधारा पार्टी से बने हुए लोग हैं और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगे, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव, तो ये सबको बात जानते हैं और सभी बात को एक्सेप्ट। लेकिन अंदर ही अंदर सब यही कहते हैं, कोई अंदर बाहर की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, सब मिलकर लड़ेंगे। ऐसा आप क्यों लोगों को भड़का रहे हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 साल निकल गए, चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैं जानता हूँ, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं, कभी का नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है, अरे भाई दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है, उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें, बहुत बड़ी बात है। इतने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है, तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज़्यादा दायित्व बन जाता है, एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे, तभी तो मैं समझता हूँ हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य उसको पूरा करता है। सर, कांग्रेस की अलायंस इंडिया का है, तो क्या अलायंस के जो घटक हैं वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को भी समाप्त करना है? ऐसा है, मैं इसमें क्या का कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति के जज्बात या सेंटीमेंट्स को हर्ट करे। हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग्स या सेंटीमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बात को हम ठेस ना पहुँचे। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं बहुत दिनों से पत्रवार्ता नहीं करी थी, मेरा सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है, तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप आराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अजमेर में समानांतर कांग्रेस संचालित होगी, उसको कैसे समाप्त करेंगे? कांग्रेस एक है, चुनाव चिन्ह एक है, ये तो बहुत बड़ा दरिया है, इसमें सब लोग शामिल होंगे। संगठन की बैठक शहर अध्यक्ष नहीं बुलाते हैं कहीं और से उसका कॉल धर्मेंद्र राठौड़ बुलाते हैं बकायदा आरडीडीसी के अंदर उन्होंने आपके लिए भी स्टेटमेंट दिए थे पहले, आरोप है कि वो समानांतर कांग्रेस चला रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे कोई कर रहा होगा, अगर कोई कर रहा है तो आपके विजय जी तो सुन लो ना, मुझे लगता नहीं ऐसा कोई कर रहा होगा, अगर कोई कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहा है, हम सबको साथ मिलकर। पायलट साहब, आखिरी हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा कोई कर रहा होगा, राजस्थान आखिरी क्यों दुआ कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे, क्राइम होता है, पुलिस पकड़ती है, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि आपने और बताओ कुछ मजेदार बात है, शांति रेडवान पर बयान दिया गजेंद्र कुछ अपना। अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा यह है कि 25 सांसद जीते गए राजस्थान से, आपने राजस्थान को क्या दिया? एआरसीपी के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी, मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट, अजमेर में बोल के गए थे, क्या रहा? पीपीआर बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे। और एक मंत्री तो बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे, मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, सरकार किसी पार्टी की स्टेट में हो लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आपको उसका जो शेयर है रेवेन्यू शेयर वो देना पड़ेगा, उसका जो डिमांड है देनी पड़ेगी, उसको सहयोग करना पड़ेगा। पहले शेयर 90-10 का होता था, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम था, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम था, उसको हाफ ऑफ कर दिया। हजारों करोड़ राजस्थान सरकार का जो है बकाया वो दिल्ली दे नहीं रही। हमारे सभी सांसद बच्चे जीत के गए लोकसभा के, उन्होंने क्या योगदान दिया है? कोई नई पॉलिसी बनाई हो, कोई राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ हो, कहीं रेलवे लाइन सैंक्शन की हो, ERCP को सैंक्शन किया हो? और ERCP को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये बहानेबाजी का समय नहीं है, आप अगर करना चाहते हैं तो आप करिए। और हमने तो कहा कि हम जितना मांगे से ज़्यादा सहयोग करने को तैयार है, लेकिन उनकी नीयत में लगता है ये है कि बस चुनाव निकल जाए उसके बाद हम निर्णय करें। हाँ, मुख्यमंत्री के कामकाज को किस तरह से लेते हैं? मैं कह रहा हूँ अगर कामकाज अच्छा है तो अगली बार संभव यही होगा कि ये दो आपके अलग अलग सवाल हैं। हमारे यहाँ सरकार हमेशा एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है और सरकार हमारी जो काम कर रही है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीते थे, जनता ने वोट दिया, हमारे घोषणा पत्र को पढ़कर उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कैबिनेट और सरकार ने पॉलिसी बनाई और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज रही, अच्छा वर्क रहा और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जनता में अब उन पॉलिसीज को जो हमने लॉन्च की हैं उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुँचाएंगे। सरकार और सरकारी कर्मचारी एक लिमिट तक काम करते हैं। पब्लिक सेंटिमेंट बदलने के लिए कांग्रेस आवेदक जो बूथ पर खड़ा होता है वो लाभार्थियों को जाके हम अपना कम्युनिकेट करें कि हमने पार्टी के सरकार ने किया है और पार्टी ने किया है, जनता तक पहुंचे। महंगाई अगर हम लोग कम कर रहे हैं, आज प्रियंका जी ने बोला ना मार्केट काउंट, क्या जरूरत पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट्स को महंगाई राहत शिविर लगाने की, क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे डाका डाला लोगों की जेब के ऊपर। 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, एक समय टमाटर 200 रुपये का किलो हो गया था। तो सरकार की पॉलिसीज विफल रही हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। शहर में आना होता रहना हुआ, सभी हमारे शहर के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मुझे पता नहीं वो टिकट किसको देंगे, चाहे अजमेर हो चाहे बाकी जगह हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिसको भी आलाकमान और हमारे जो सर्वे के बाद नाम चिन्हित किए जाएंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, पूरी कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति का समर्थन करेगी और उस व्यक्ति को विधानसभा भेजेगी। और खासकर अजमेर शहर में इन दोनों सीटों के ऊपर हम जिसको भी टिकट देंगे और जो समर्पित पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने 5 साल तक लोगों को संभाला है, जिसने वर्कर्स के दुख सुख में भागीदारी निभाई है, उसको पार्टी टिकट देगी और उस शांति बनाएगी।